हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। सो दोस्तों, चैनल शुरू किए हुए मुझे 6 मंथ्स होने वाले हैं और अब तक हमने बहुत सारे सेक्टर के फंडामेंटल एनालिसिस देखे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर को एनालिसिस मैंने किया है, लाइक आर सिस्टम, जेंसरटेक, हैप्पीएस्ट माइंड, BLS इंटरनेशनल एक्सेट्रा। ये सभी आईटी सेक्टर वाली कंपनी है, लेकिन फ्यूचर ही आईटी सेक्टर का है तो कोई कैसे इससे दूर रह सकता है। सो गाइस, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर वाली कंपनी को, सोनाटा इंटरनेशनल, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल तो हम लोग जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ है जो इसे अदर आईटी सर्विस वाली कंपनियों से अलग बनाती है। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सोनाटा इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी। कंपनी अपनी सब्सिडीज के साथ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में आईटी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्निकल, प्रोडक्ट मार्केटिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज एक्सेट्रा अपने क्लाइंट्स को देती है। कंपनी इसके अलावा अपनी सर्विसेज एप्लीकेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड इनेबलमेंट, क्लाउड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी में भी देती है। फर्दर कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी सच एस माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओरेकल एक्सेट्रा के प्रोडक्ट लाइसेंस भी बेचती है, जो इसे अदर आईटी कंपनी से यूनिक बनाता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी थी। कंपनी का जियोग्राफिक रेवेन्यू देखिए तो USA से अकेले 52% का रेवेन्यू शेयर करता है। इसके बाद यूरोप 30% का और बाकी 18% अदर कंट्रीज। यहाँ इंडिया का शेयर ऑब्वियसली कम है, बिकॉज आईटी सेक्टर वाली कंपनियों का रेवेन्यू बाहर के देशों से ज़्यादा होता है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म 25% का रेवेन्यू शेयर करता है। इसके बाद आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी OPD अराउंड 27% का, रिटेलर्स 27% का और अदर शेष बचा हुआ 21% का। सोनाटा कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर समीर धीर प्रेजेंटली कंपनी के CEO है और अप्रैल 2022 में ही कंपनी के CEO बने हैं। इससे पहले ये वर्चुसा कंपनी के CEO के पद पर थे। इन्होंने अपना BTech IIT रुड़की से किया है। हालांकि कुछ मंथ्स पहले कंपनी में ज्वाइन होने के कारण इनका टेन्योर 5 से 6 मंथ्स का है। सो एक्चुअल में ये कंपनी के लिए कितना ऐड कर पाएंगे ये बता पाना मुश्किल है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस बोर्ड मेंबर है और इनका टेन्योर अभी 9 ईयर्स का है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट में CEO न्यू होने से कंपनी की लीडरशिप थोड़ा डाउटफुल रहेगा, बाकी एक्सपीरियंस टीम जरूर है। सो इसमें मैं कंपनी को 7 out of 10 देना पसंद करूँगा। लेट्स बिगिन फाइनेंशियल विद रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का ROE अभी 34.24 है, जो लास्ट ईयर से ज़्यादा है। वहीं कंपनी की ROCE भी अभी 40.97 है, जो भी अच्छे नंबर्स है। कंपनी का लास्ट 5 साल का ROE CAGR अभी 34% है, मतलब बेस्ट वन। कंपनी में कर्ज देखे तो ये अभी मात्र 213 करोड़ रुपीज़ है, जिसकी तुलना इक्विटी से करें तो डेट टू इक्विटी अभी 0.03 होगा। नेग्लिजिबल डेट, अगेन बेस्ट साइन। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 9.33 है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.77 है। कंपनी के लास्ट 5 क्वार्टर में OPM परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ एक वीक पॉइंट नज़र आ रहा है। सोनाटा कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल यानी CCC को देखें तो ये अभी 59 है और लास्ट ईयर के 53 से इंक्रीज हुआ है। सो काफ़ी बढ़िया देश है एक आईटी सेक्टर स्टॉक के लिए। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग पर बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये अभी 28.17 है। मैं पर्सनली 50% से ज़्यादा होल्डिंग वाली कंपनी को प्रेफर पहले करता हूँ, बट यहाँ सबसे बड़ा गेम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है। FII का इसमें इन्वेस्टमेंट 12.96 है, जो कि अप्रोक्स 13% है। ऑल्दो FII का फ्लो लगातार डिक्रीज हो रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज IT सेक्टर ऑलरेडी वीक है। सोनाटा कंपनी की वैल्यूएशन पर नजर डालें तो कंपनी का करंट प्राइस 531 रुपीज़ है और अर्निंग पर शेयर अभी 30 है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,500 करोड़ है, जिससे ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अभी 17.8 है, जो अपने लास्ट 5 ईयर की मिडन PE से लगभग बराबर ही है। हालांकि कंपनी अपने पीयर्स कंपनी के PE से चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, लाइक टाटा एलेक्सी का PE 65 है, LTTS का PE 37 है, Emphasis का 24, Persistent System 35। कंपनी का PEG रेशियो भी अभी 1 से कम है, वहीं इसने 52 वीक हाई 705 रुपीज़ बनाया है। सो सभी फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं ये टाइम काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक को बाय करने का, इफ़ ये फंडामेंटली स्टॉक कंपनी हुई तो। सो ओवरऑल फाइनेंशियल में कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स 2 चीज़ है, फर्स्ट लो प्रॉफिट मार्जिन एंड सेकंड लो प्रमोटर होल्डिंग। सो मैं इसे यहाँ 8 out of 10 की रेटिंग देना पसंद करूँगा।
कंपनी के लास्ट 5 साल में सेल्स और प्रॉफिट अच्छे रहे हैं। अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो मार्च 2018 में कंपनी की सेल्स 2454 करोड़ रुपीस थी, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 3553 करोड़ रुपीस हो गई है। कंपनी का TTM सेल्स अभी 6596 करोड़ है। लास्ट 5 साल में सेल्स 19% की CAGR से बढ़े हैं, काफ़ी अच्छे नंबर सेल्स के हैं। इफ़ वी चेक प्रॉफिट ऑफ कंपनी तो मार्च 2018 में प्रॉफिट 192 करोड़ रुपीस थे, जो मार्च 2022 में 376 करोड़ रुपीस हो गए हैं। प्रॉफिट TTM अभी 419 करोड़ है। प्रॉफिट के लास्ट 5 साल का CAGR ग्रोथ देखें तो ये 20% की स्पीड से बढ़ा है। कोरोना की वजह से प्रॉफिट में डाउनफॉल जरूर हुआ है, बट ओवरऑल मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे लगे, सो आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10 इन दिस सेगमेंट। सोनाटा कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी ट्रैवल, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक वाले डिजिटल सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। दूसरा, कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट, IBM, Oracle जैसी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। क्योंकि कंपनी का मेजर रेवेन्यू बाहर के देश से आता है, सो हम ग्लोबली IT इंडस्ट्री का फ्यूचर देखते हैं। सो करंटली IT सेक्टर 450 बिलियन डॉलर्स का है, जो 2029 तक 1350 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की आशंका है। ये ग्रोथ CAGR अराउंड 15% की रहेगी, जो कि एक अच्छा फ्यूचर दिखा रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंस सेक्टर देखें, जिसमें कंपनी लीडर है, तो इसका मार्केट 2021 में 10 बिलियन डॉलर्स का था, जो कि 2029 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशंका है। अगेन 17% की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स का मार्केट अभी ग्लोबली अराउंड 13% की ग्रोथ से बढ़ेगा 2031 तक। SaaS और क्लाउड डिमांड बढ़ने से ISV का मार्केट अच्छा बढ़ेगा, सो फ्यूचर मार्केट तो बहुत बड़ा है और ब्राइट है। अब ये डिपेंड्स करेगा कंपनी इसका कितना हिस्सा ग्रैब कर पाती है। कंपनी के CEO ने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उनकी टीम R&D पर 10-20% का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। कंपनी के लिए पहला रिस्क है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। अराउंड 52% का रेवेन्यू कंपनी USA से लेती है। ऐसे में USA में थोड़ा बहुत अप डाउन होने से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पर असर पड़ता है। जैसा कि हाल ही में H1B1 वीजा का इशू हुआ था, इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशन होने से भी कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ता है। दूसरा रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन का। कंपनी के टॉप 5 कस्टमर 52% का रेवेन्यू शेयर करते हैं, वही टॉप 20 कस्टमर 70% का रेवेन्यू। सो एक भी टॉप कस्टमर ब्रेक होता है तो कंपनी के रेवेन्यू पर अच्छा असर पड़ सकता है। जैसा कोरोना के टाइम हुआ था, जब बहुत सारे कस्टमर ने सर्विस बंद कर दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट टॉप कस्टमर से कंपनी पर पड़ा था। एक और रिस्क कॉम्पिटिशन ही है। IT सेक्टर में कंपटीशन देने वाली कंपनियां भरी पड़ी है। इनमें टाटा, एलेक्सी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, KPIT टेक एक्सेट्रा है। सो कंपनी इससे कैसे हैंडल करती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। सो गाइस, ये था सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो को कंक्लूड करें तो कंपनी IT सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे फील्ड में लीडिंग कंपनी में से एक है। ऑल्दो CEO न्यू होने से एक इशू है कि कंपनी नाउ कैसा रेवेन्यू जनरेशन करेगी। फिर हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखे, जिसमें ROE, डेट सब बढ़िया थे, बस प्रमोटर होल्डिंग कम होने का एक इशू है। सेल्स एंड प्रॉफिट में दोनों ही अच्छे नंबर्स लगे। वैल्यूएशन भी PE को देखकर लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है। फ्यूचर हमने देखा है कि कितना ब्राइट है। कंपटीशन की वजह से रिस्क भी अच्छे है। शॉर्ट टर्म में जरूर कोई गेन ना मिले, बट इफ समवन वांट फॉर लॉन्ग टर्म गेन, देन उसे रिस्क और कुछ नेगेटिव पॉइंट को ध्यान में रखकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो देन लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके फीडबैक देना क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी नॉलेज मिले। बडी ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।